बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फ़ियाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी ऑपरेटर्स को, जिन्होंने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ी है उनको आइडिया होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और कौन सा ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है। इनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर मैंशन है, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स एंड अरे ऑपरेटर्स। ये जो आपके सामने ऑपरेटर्स मैंने मेंशन किए हैं, ये बेसिकली पीएचपी 5 में ये डिफाइन किए गए थे। जो पीएचपी 7 है उसमें दो चार मजीद नए ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, वो थोड़े से ज़रा कम्प्लेक्स हो जाएगा अगर उनको मैं यहाँ पर बताता हूँ, तो फ़िलहाल मैंने उनको यहाँ पर ऐड नहीं किया। हम पहले इनको समझ लें, तो टाइम के साथ साथ जैसे आपको मज़ीद पीएचपी का आइडिया हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम फिर उनको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिटेल में देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये करते क्या हैं। आपने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उनका मॉड लेते हैं या उनकी आप पावर जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, तो ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं। एडिशन का ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और लास्ट वाला है एक्सपोनेंट का ऑपरेटर। इसको हम वन बाई वन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि पीएचपी में हम जब कोई प्रोग्राम राइट करेंगे तो इन ऑपरेटर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, आपको पता है पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इस वजह से आपका कंप्लीट एनवायरनमेंट पहले सेटअप सेट होना चाहिए आपके सिस्टम पे। ये यहाँ पे मैंने जैम्प को ऑन किया है और उसके बाद यहाँ पर एक सी ड्राइव में जैम्प में एच टी डॉक्स के फोल्डर में एक मैंने फाइल क्रिएट की है असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से, और उसके बाद लोकल होस्ट में जाएं। लोकल होस्ट में यहाँ पे दो डायरेक्टरीज मुझे नज़र आ रही हैं, पीएचपी ट्रेनिंग के नाम से और प्रोजेक्ट के नाम से है। पीएचपी ट्रेनिंग में जाता हूँ, यहाँ पे फाइल असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट पीएचपी, आप यहाँ पे इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक सारे का सारा प्रोसीजर आपको पता है कि कोई भी फाइल जिसको आपने सर्वर के थ्रू एक्सेस करना है तो इस तरीके से उसको हम एक्सेस करेंगे। बहरहाल हम वन बाय वन इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं वेरिएबल एक्स लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, और एक सेकंड वेरिएबल यहाँ पे हम लेते हैं वाई और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। अब दो तीन मेथड हैं इसके, एक तो ये है कि हम यहाँ पर एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं जीस के नेम से और इन दोनों वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये ऐड करने के बाद हम इको करवा देते हैं इस वेरिएबल को जिसमें रिजल्ट जाएगा, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे दो नंबर्स को 20 और 10 को ऐड करने के बाद जो आंसर 30 आया है वो आपके सामने वेब पेज पर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। चूँकि हमने यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेटर्स डिस्कस करने हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इस वेरिएबल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हम डायरेक्टली उनको देखते जाएंगे इको की स्टेटमेंट के साथ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करता हूँ एडिशन ऑफ नंबर्स राइट कर लें या जस्ट एडिशन राइट कर लें, और यहाँ पर इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, दोनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे ऐड करना है, इसको सेव करें। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, जब हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे थे तो वहाँ पे हम इसको कॉलन कर लें, ये अजीब सा लग रहा है। वहाँ पे हम क्या करते थे, वहाँ पे एक स्ट्रिंग को, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसके बाद ये मैंने एक एक्सप्रेशन राइट किया है, इन दोनों को आपस में
कंकैटिनेट करने के लिए हम वहाँ पे प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉट का एक साइन, यहाँ पे डॉट का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ये इसको कंकैटिनेट तो करवा देगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर मिल रहा है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड। तो यहाँ पे आपने इन चीज़ों को जहन में रखना है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि पीएचपी का सिंटेक्स है उसके मुताबिक उसको लिखा जाएगा। तो आपने क्या करना है, स्ट्रिंग में आप जो मर्जी यहाँ पे राइट कर दें, एडिशन ऑफ नंबर्स एडिशन इज़ या सम ऑफ नंबर्स इज़ एंड सो ऑन, कुछ भी आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में राइट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन राइट किया, उसको आपने ब्रैकेट में कर देना है, और अब चेक करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एडिशन 30। ठीक है, वो जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास में या डबल कोट्स में राइट किया है वो आपको वैसे नज़र आ रहा है, और नेक्स्ट दोनों नंबर आपस में ऐड हुए हैं और आंसर आपको यहाँ पे 30 नज़र आ रहा है। हम नेक्स्ट इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये एडिशन हो गया, नेक्स्ट हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, सब्ट्रैक्शन में इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 20 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें BR की ज़रूरत भी पड़ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉट दोबारा से ठीक है कंकैटिनेट करेंगे और यहाँ पे BR का टैग हम यूज़ कर लेंगे। अब पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर लाइन ब्रेक होने के बाद नज़र आ रहा है। ठीक है, एडिशन ऑफ नंबर हमने देख लिया, नेक्स्ट हमने सब्ट्रैक्शन भी देख लिया है, अब हम क्या करते हैं इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं। इस BR को यहाँ से आप कॉपी कर लें, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ दोबारा से मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये यहाँ पे आ जाएगा 30। मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे कर देते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा अगर कोई मिस्टेक हो तो। तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 और 20 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 200 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद अब हम करते हैं डिवाइड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जस्ट सिंटैक्स उसको लिखने का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है, बाकी जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ऑपरेटर्स हैं या बाकी सारी चीज़ें वो सारी की सारी सेम होती हैं। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड हमने किया है, तो यहाँ पे 10 को डिवाइड किया गया 2 से और हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने कौन सा ऑपरेटर देखना है जी, मॉडुलस का ऑपरेटर, मॉड यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, मॉडुलस और यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा, इसको सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास मॉडुलस यहाँ पे 0 आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि अगर आप 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 20 कंप्लीट 10 पे डिवाइड हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो हमारे पास यहाँ पे 0 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 21 तो अब रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, मॉडुलस 1 बचेगा। ठीक है, तो ये होता है मॉडुलस, जिन्होंने मैथ में पढ़ा होगा उनको तो आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसको देख लें कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको बेसिकली मॉडुलस बोलते हैं, तो इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सपोनेंट का, ठीक है, जिसको पावर भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट में हम यूज़ करते हैं 2 टाइम हम स्टेरिक यूज़ करेंगे। अच्छा फ़िलहाल इसको चले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आंसर मुझे पता था यही इस तरीके से आएगा, तो फ़िलहाल इसको मैं करता हूँ 2 और इसको करते हैं 2। ठीक है, 2 raised to power 2 क्या होता है, आंसर 4 आएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक्सपोनेंट क्या करेगा, पावर लेगा, और अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ 3 raised to power 2 तो आंसर क्या होता है, 9 आंसर आता है। ठीक है, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ये है एक्सपोनेंट पावर लेना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल स्टेरिक यूज़ करते हैं।
तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंट। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक और चीज़ भी होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, चलिए हम वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक रिलेशन यहाँ पे राइट करता हूँ, रिलेशन हम राइट कर लेते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टू, यहाँ पे नंबर्स को मैं दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। और नेक्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय फोर, इसको चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आता है। इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आंसर 40 आया है। अब ये 40 कैसे आया है, जिनको आइडिया होगा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का, मैथ में आपने पढ़ा था, मैथ में एक रूल होता है जिसको डुमैस रूल बोलते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मैथ में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाता है जिसके अंदर प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एक्सपोनेंट भी है, या कोई भी ऑपरेटर है, तो उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंस एक ऑर्डर सेट होता है कि सबसे पहले एडिशन ने परफॉर्म होना है या मल्टीप्लिकेशन ने परफॉर्म होना है या डिवीजन ने परफॉर्म होना है। तो ये बेसिकली उसके मुताबिक ही आपके पास यहाँ पे आंसर आया 40। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे भी इस किस्म के क्वेश्चन देखे होते हैं कि इसको सॉल्व करें इसका आंसर क्या आता है, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे चलें हम इसको खुद से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इसको किया 30 आंसर है, ऐड करने के बाद 30 को हमने डिवाइड कर दिया 2 पे, 15 आंसर आया, 15 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमारे पास आंसर क्या आया, 60 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हमारे पास आंसर यहाँ पे 40 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने एक खास सीक्वेंस में नहीं चलना, यानी कि पहले ऐड किया, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से नहीं होता। जो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, उसका ऑर्डर है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी वर्किंग होती है। और ठीक है, यहाँ पे इसका बेसिकली बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेट की होती है। इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे, ऑपरेटर्स जब डिस्कस मजीद करते जाएंगे तो इसका भी मैं एक लेक्चर इंशाल्लाह इस पर भी कर दूंगा। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। दुआ में खुशी याद रखा करें, और यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।